हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.11 को। ठीक, 1 से लेकर के 10 तक सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिए। अच्छे से समझ में आ गए? पक्का? वेरी गुड। तो चलो दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को समझने से पहले आपको एक दो प्रॉपर्टी और समझनी पड़ेंगी। वैसे तो ये एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, और 1 से 10 तक सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लग रही थी। याद है ना कि अगर आपको लिमिट दी है 0 से fx, तो x की जगह आप क्या लिख देते थे? a माइनस एक्स। ठीक, लेकिन अब कुछ इसमें प्रॉपर्टीज और हैं। बहुत देखो, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ठीक है, तो एक दो प्रॉपर्टी और हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चन भी यूं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझना, क्या बताता हूं मैं। जैसे मान लो बच्चों कि आपको कोई एक ऐसे फंक्शन दिया गया है। क्या? यहां पे लिमिट है माइनस ए और यहां पर ए, माइनस ए से ए, और कोई फंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या जो फंक्शन है ना, एक्स की जगह पे यहाँ पे माइनस पुट करो, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर बराबर आ जाता है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, ये दिया ना माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल हो जाता है किसके? टू लिमिट 0 टू ए। देखो यहां पे माइनस से ए तक थी, अब लिमिट क्या हो जाएगी? आगे 2 आ गया, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? चलो अभी समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। बस इसको पहले आप देख लो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, मतलब दूसरा केस कह सकते हैं इसी का। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, माइनस ए से ए लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जैसे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो यहाँ ये माइनस ए है, ये प्लस ए, माइनस ए प्लस ए, और एफ एक्स की जगह क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज होगी, तो पहले समझ लो प्रॉपर्टी, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट वही माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर इक्वल आ जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स के। देखो इस वाले में क्या था, यहां पे माइनस नहीं था, इस वाले में यहां माइनस आ गया। तो इस तरह के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। तो भैया फिर इसका इंटीग्रेशन, जो आपका क्वेश्चन होगा उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा अगर ऑड फंक्शन बन जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 नंबर दिया है ना, 11 नंबर, बहुत ध्यान से देखो कैसे होगा, समझते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों में चेक करना होगा कि फंक्शन ये वाला है या ये वाला, मतलब इवन है या ऑड। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे देखो ध्यान से, ये बच्चों ऐसे दिया है ना एफ एक्स, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या लो चाहे, ये क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, साइन एक्स इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स की जगह पे माइनस फिट कर रहा हूं, माइनस यहां पर डाल देते हैं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, साइन एक्स की जगह पे हो गया माइनस एक्स। ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया। ठीक, अच्छा बच्चों हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि साइन माइनस थीटा ऑलवेज माइनस साइन थीटा, क्लास 11th में पढ़े थे ना, तो वही चीज यहां पर भी देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस आगे आ जाएगा ऐसे हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसका स्क्वायर। तो बच्चे जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही हो जाता है, बोलो हो जाता कि नहीं होता? तो ये ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, ध्यान से यहां पे देखो कि साइन स्क्वायर एक्स क्या था, एफ एक्स था कि नहीं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के आ गया। तो भैया देखो पहली कहानी बन गई, यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, देखो क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, कि इसमें लिमिट माइनस ए से ए होगी फिर फंक्शन होगा। देखो माइनस ए से ए, अब ए की जगह पे माइनस पाई बाई टू है, यहाँ पाई बाई टू है। ठीक है ना, चलो अब बहुत ध्यान से समझना कि अब इसको करना कैसे है। तो अब अगर ये इवेन आ गया, क्या आ गया, इवेन, अगर ये इवेन आ जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन था ये
लिमिट माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स, यही तो था। इसको हम ऐसे लिखेंगे आई इज इक्वल टू, है ना, आई इज इक्वल टू लिख लेना ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये दिया हुआ ना साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा टू, ना यहाँ पे देखो बाहर आ जाएगा टू, लिमिट हो गई जीरो से ए, ए रहेगा कितना है पाई बाई टू, पाई बाई टू फिर एफ एक्स, तो यानी ये ऐसे हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे हो गया। ठीक, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू टू लिमिट जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा बच्चों हमने देखो एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2, होता है कि नहीं होता है? बोलो 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं ना इसकी जगह पर, तो भैया साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू टू लिमिट हो गई जीरो से पाई बाई टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2, ठीक है, और ये कितना हो गया यहाँ पे dx। अच्छा ये 2 से ये 2 खत्म, तो कितना बचा I इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2, अब देखो इसको अलग अलग कर लो 1 dx माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx, ऐसे हो गया। ठीक है अब देखो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो 1 का तो मालूम है क्या होता है, 1 का x हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 का क्या हो गया x, तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस, यहां पे आते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आएगा sin 2x और 2x का दोबारा होगा तो ये 2 आएगा, है ना, और लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, इतना क्लियर है। ठीक है चलो इसको नोट कर लेना ना, हटा देता हूं, आगे देखो ध्यान से, अब ये क्या बन गया, देखो यहां पे देखो ये तो एज इट इज रहा I इज इक्वल टू, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना पाई बाई टू माइनस जीरो, लिमिट अप्लाई कर दी माइनस वन अपॉन टू, यहां पे देखो कितना लिखेंगे x की जगह पर साइन टू इंटू पाई बाई टू, और फिर जीरो पुट करोगे तो यार ये सब जीरो ही आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो ये टू से ये टू खत्म, खाली क्या बचा साइन पाई बचा, बचा कि नहीं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू यहां पे तो बचा ये पाई बाई टू माइनस वन अपॉन टू, और यहां पे देखो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो यार ये जीरो हो गया तो आई की वैल्यू कितनी आई पाई बाई टू, तो ये आपका आंसर हो गया। बोलो तो कहानी समझ में आई ना, और ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई पहली, ठीक। अच्छा जैसे पहले है वैसे दूसरी भी है, अब इस तरह का केस बनेगा तो ऑड हो जाएगा, तब तो कुछ करना ही नहीं है, उसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है। ठीक है अच्छा बच्चों 11 के बाद मैं आपको 13 और 14 बताता हूँ, क्यों, क्योंकि एक सेम टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको 12 बताऊंगा, ठीक है ना, ये आप नोट कर लो। अब देखो बच्चों 13 नंबर में क्या करना है ना, ध्यान से देखो, देखो पहले मैंने क्या बताया हम इसको चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। चलो तो चेक करते हैं, चेक करने के लिए पहले यहाँ पे देख लो जो फंक्शन दिया उसको लिख लो, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है साइन की पावर कितनी है यहाँ पर 7x दिया हुआ है। ठीक अच्छा क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको हम लोग साइन एक्स और इसकी पावर कितनी हो गई 7 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ठीक है अब बात को समझो, ध्यान से देखो मैंने क्या किया x की जगह पर माइनस एक्स लिख दिया ऐसे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी ऐसे हो जाएगा साइन यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक और इस पूरे की पावर कितनी है 7, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसकी पावर कितनी है 7। तो भैया अब ये क्या आएगा बताओ मुझे, देखो जैसे इसके आगे कुछ नहीं आप 1 मान लो ऐसे माइनस 1 की पावर 7, तो इसको माइनस वन इंटू 7 बार लिखोगे तो माइनस ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके आगे माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये ऐसे हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर 7 एक्स। ठीक अब मुझे एक चीज बताओ,
साइन खाली इतना देखो, साइन की पावर 7x, ये कितना है? एफ एक्स है कि नहीं? ये माइनस ऐसे रहा, इसके लिए क्या लिख दिया? एफ ऑफ एक्स। अब मुझे ये बताओ कौन सा फंक्शन बना ये? ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शन बना? ऊपर इवन बना कि इवेंट? ऑड, इवन की ऑड, ध्यान से देखो ऑड, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन होता है तो क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी अगर ऑड होगा तो ये जो दिया हुआ है आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन की पावर 7x dx, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक? इसका इंटीग्रेशन जीरो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इवन ऑड वाला, ठीक? अच्छा बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद फिर 12 पे आते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक प्रॉपर्टी और यूज हो रही है, बिल्कुल इसी के जैसे ही है, तो वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लो आप। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में, अब देखो बच्चों, इसमें दो प्रॉपर्टी और हैं जो आपको समझनी है, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि अगर आपको कभी कोई ऐसा फंक्शन मिले यहाँ पे लिमिट 0 से 2a हो जाए, 0 से 2a, और कोई फंक्शन दिया हो, इसके पहले वाले में क्या था? माइनस ए से ए था ना, इसमें 0 से 2a। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 2π, तो a कितना है यहाँ पर? a का मतलब पाई है ना? बिल्कुल ऐसा दिया ना? तो 0 से 2a fx dx। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज चेक करनी पड़ती है, क्या? कि इफ फंक्शन जो दिया ना, फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 2a - x, जो भी यहाँ पे दिया हो उसमें माइनस एक्स करो, और ये सॉल्व होके आ रहा है एफ ऑफ एक्स के, यानी सेम वही फंक्शन आ जाए, तो हम क्या यूज करेंगे? ये जो फॉर्मूला होगा ये ऐसे बन जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन होगा ये ऐसे बन जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये जो 2 दिख रहा है ये आगे आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से fx dx, ठीक है? फिर से कहानी समझो, क्या दिया होगा क्वेश्चन में? लिमिट 0 से 2a दी होगी, फंक्शन दिया होगा, हम क्या करेंगे? x की जगह पे 2a - x करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आता है। अगर फंक्शन fx आ जाए, मतलब जो हमारा फंक्शन था वही आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? इसका इंटीग्रेशन ये 2 आगे आ जाएगा, 2, 0 से a लिमिट हो गई, और f ऑफ x dx ऐसे रहा, ठीक है? अच्छा, इसी का सेकंड केस क्या है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया है, हमने चेक किया इसको, क्या 2a ये दिया ना, f ऑफ 2a - x चेक किया, लेकिन वो fx ना आके माइनस fx आ गया, माइनस आ गया, तो इस केस में उसका इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन होगा उसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ऐसे समझ लो इवन ऑड वाली कहानी है, ठीक है ना? चलो अच्छा देखो कैसे इसको यूज करते हैं। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा कि f ऑफ x हमारा कितना दिया है? cos की पावर 5x, ठीक? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, cos x और इसकी पावर ऐसे लिख दो, मतलब तो वही हुआ ना, ठीक है? अब देखो पहले वाले में हम क्या करते थे, x की जगह पे माइनस एक्स डालते थे, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? 2a - x लिखना है x की जगह पर, तो हम यहाँ पे 2a, a का मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है 2a, यानी 2π - x इज इक्वल टू cos 2π - x, ठीक है? और इस पूरे की पावर कितनी है? 5 है। इतना क्लियर है? तो देखो बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे कितना मिलेगा? 2π - x, ठीक? अब मुझे ये बताओ, देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि ऐसे यहाँ पर ये 2π आया है, 2π का मतलब कितना है? 360 डिग्री, है ना? और 360 - x यानी 360 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये पढ़ा है ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, ये 180, ये 360, सॉरी ये 270, फिर ये आगे जाएगा तो ये बन जाता है 360, तो 360 - यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है ऑल प्लस साइन प्लस टेन प्लस कॉस प्लस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? प्लस होगा, तो और 180 से 360 पे चेंज ही नहीं होता, तो cos cos ही रहेगा, तो cos 360 - x cos x क्या आएगा? cos x आएगा, तो ये हमें क्या देगा? cos 2π - x cos x, और इस पूरे की पावर कितनी है? 5 है। तो भैया अगर आप चेक करो यहाँ पे, ध्यान से देखो, 2π - x ये क्या है? ये क्या है? हमारा f ऑफ x है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, ये वाली कहानी बन गई, है ना? हमने ये रखा और हमें वापस फंक्शन मिल गया।
तो इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, ये जीरो से ए लिमिट हो जाएगी और टू आगे आ जाएगा, तो इसमें टू आगे आ गया, टू आगे आ गया है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है याद रखना, टू आगे आ गया। इसको पहले लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है ना हमारा आई इज इक्वल टू याद रखना, तो ये टू लिमिट हो गई जीरो से ए, तो भैया टू ए का ये था ना पूरा, तो ए खाली क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा है ना, और एफ एक्स यानी कॉस की पावर 5x dx। चलो मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है थोड़ी देर के लिए, इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो आगे है ना, बहुत ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, फिलहाल तो बहुत आसान है लेकिन आप ध्यान से समझिएगा। अब देखो ये दिया हुआ है, अब याद करो बच्चों जो प्रॉपर्टी हम लोग 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में लगाई, क्या प्रॉपर्टी लगाई कि लिमिट ऐसे हो 0 से a एफ एक्स, तो हम इसको कैसे लिखते थे, लिमिट 0 टू ए, एक्स की जगह पे क्या हो जाता था, एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स डी एक्स ऐसे हो जाता था। तो वो चीज हम यहां भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, मैं चलो यहां पे लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू लिमिट कितनी है, पहले ये टू आगे कर लेते हैं, टू लिमिट कितनी है 0 से पाई, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कॉस 5 पाई, यहाँ पे x है ना, x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, बोलो है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब फिर से देखो बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या है 180 तो है, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आई इज इक्वल टू टू लिमिट कितनी हो गई 0 से पाई, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस की पावर 5x dx। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब ऐड करोगे ये i और i, तो 2i बना देगा ये, है ना, और यहाँ क्या, ये 2 तो पहले से ही है, इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, यहाँ पे देखो कितना है cos की पावर 5x, और यहाँ पे कितना है माइनस माइनस cos की पावर 5x डी एक्स, तो यार ये तो कट गया, ये तो पूरा कट गया ना तब तो, और ये 2 से 2 कट गया, तो i की वैल्यू तो 0 आ गई है ना, जब ये 0 ही हो गया तो 0 का इंटीग्रेशन 0, बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, तो चलो उसको लिखो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है, देखो बच्चों 12 नंबर इसमें क्या है ना, समझते हैं। तो देखो यार इसमें वही फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, क्या कि जब लिमिट हो 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, और इसको आई बराबर मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है ये इक्वेशन 1 ऐसे याद रखना, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, इतना क्लियर है। तो ध्यान से देखो i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, ये तो एज इट इज रहा पाई माइनस एक्स 1 प्लस, अब यहां पे देखो साइन 180 माइनस थीटा, ये कहां आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड में तो साइन प्लस होता है, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो यानी ये वापस साइन ही आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को फटाक से ऐड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को जोड़ते हैं, तो आई और आई, ये तो 2 आई हो गया, लिमिट हो गई 0 टू पाई, अब देखो ऊपर कितना है एक्स, देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो खाली ऊपर वाली कहानी जुड़ेगी एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, अब देखो बच्चों ये एक्स से एक्स खत्म है ना, एक्स से एक्स खत्म, खाली पाई बचेगा यहां पर, ठीक है ना, चलो इसको हटा देते हैं, तो अब देखो ये कितना बचा, ये हो गया 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, यहां पे कितना बचा पाई 1 अपॉन सॉरी पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है।
अच्छा, अब इस पाई को आप बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पाई। तो लिमिट हो गई 0 टू पाई, ये ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स dx। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। 1 प्लस साइन का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस साइन होगा। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन एक्स, ये एज इट इज रहा dx। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, ये हो गया पाई लिमिट 0 टू पाई। तो ये तो एज इट इज रहा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे देखो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला बन गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। डायरेक्ट लिख दूं, चलो अच्छा अगली लाइन से लिख देता हूँ। तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू पाई, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, इतना हुआ। अब देखो इसको अलग अलग कर लो, इसको ऐसे लिखते हैं 2i इज इक्वल टू पाई, देखो अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं ऐसे लिमिट, और इस पाई को ये अलग कर देते हैं ऐसे, लिमिट 0 टू पाई, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, माइनस लिमिट 0 टू पाई, यहाँ पे कितना बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये dx। इतनी बात बोलो समझ में आई, हाँ या ना, ठीक। अच्छा अब देखो, अब हमने पढ़ा ना कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec हो जाता है, ये हटा दो, है ना, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे इसको, 1 अपॉन कॉस 2i इज इक्वल टू पाई, ये लिमिट कितनी है 0 टू पाई, 1 अपॉन कॉस क्या बन गया, sec स्क्वायर x dx, माइनस यहां पे भी लिमिट 0 टू पाई। अब देखो यहां पे एक चीज देखो, ये ऐसे लिखा है ना, साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इसका मतलब कॉस दो बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 साइन बटे कॉस और 1 बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, और 1 बटे कॉस क्या बन जाएगा, सेक एक्स, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, इसको भी हटा देता हूँ, है ना, नोट कर लेना भैया, छोड़ना नहीं। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, sec x इंटू में tan x, ठीक है, dx। अब बताओ मुझे कि भैया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया, कितना हो गया, tan x माइनस, और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, sec x, है ना, ये सब पता होना चाहिए। और लिमिट कितनी है दोस्त, 0 से पाई, ठीक। तो बस यार अब पुट करो और आंसर निकालो, अब क्या दिक्कत है, अब तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, लिमिट अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टैन पाई माइनस सेक पाई, फिर टैन 0 माइनस सेक 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो गया, 2 पाई इज इक्वल टू पाई, 10 पाई कितना हुआ 0 माइनस sec पाई कितना आएगा, sec 180 माइनस का 1, है ना, ये पता है कि नहीं, चेक करते रहना, 10 0 0, ठीक है। और यहां पर sec 0, sec 0 कितना होता है, 1 होता है ना, ये याद रखना। चलो भाई तो इसको सॉल्व करें, तो ये कितना आया, 2i इज इक्वल टू पाई, ये माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो गया प्लस 1, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया, i इज इक्वल टू पाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो आया कहानी समझ में। तो बच्चों देखो इसमें 15 नंबर में, ठीक,
देखो यार, इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो x की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक, तो पहले ये लिख लेना, लेट i इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर वन। ठीक है भाई, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, i इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू साइन x की जगह क्या जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहां पर माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। सेम टू सेम कहानी नीचे भी आएगी, वन प्लस यहां कितना आएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। इतना क्लियर है? अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। तो भैया देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। इसी तरह यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन करने में किसी को कोई दिक्कत होगी, बहुत आसान है। अब भैया इसको जोड़ लो, इक्वेशन वन और टू ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो जैसे दोनों को ऐड करोगे तो एक चीज देखो, ये आई आई तो टू आई हो गया, टू आई इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। अब देखो साइन माइनस कॉस, देखो नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है ना, खाली ऊपर वाला ऐड होगा, तो इसको पहले लिख देता हूं मैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप एक चीज देखो ध्यान से, साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस माइनस साइन, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ऊपर तो पूरा कट जाएगा ना, नहीं समझे? चलो अच्छा देखो, दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो इसको, देखो बहुत ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूँ। फिलहाल अगर आप समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को ऐड किया, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो ये कितना हो गया, टू आई लिमिट जीरो से पाई बाई टू। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, यहां पे आओ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हुआ। और नीचे तो सेम टू सेम वही चल रहा है, वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है भाई, और इसका जब आप इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तब तो यार ये जीरो बचा ऊपर, ऊपर क्या बचा, यहाँ पे जीरो समथिंग है, तो ये तो पूरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, है ना? तो इसका आंसर आई बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। बोलो, आई बात समझ में ना? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले एक बात मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। क्या, ध्यान से देखो, याद करो, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ऑलरेडी सब अपलोड कर दिया मैंने। क्या, इसमें देखो मैंने एक क्वेश्चन बताया था, क्या कि लिमिट जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई टू लॉग टू। क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ऑलरेडी ये मैंने प्रूफ कराया था ना, अच्छा खासा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। उसी तरह से अगर यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ जाए, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट, तो भी इसका आंसर क्या आता है, माइनस पाई बाई टू से लॉग टू। ठीक, तो ये बात याद रखना, अभी इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखो। तो देखो बच्चों, ये दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया, लेट आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर वन लगाते हैं, लिमिट जीरो टू पाई लॉग, यहां पर देखो वन प्लस कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लिख दूं, एक्स की जगह पर लिख देता हूं कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये वैसे हो गया डीएक्स। अब देखो बच्चों, ये कितना आया, लिमिट जीरो टू पाई लॉग वन प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में कॉस माइनस होता, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अच्छा अब देखो बच्चों, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि वन माइनस कॉस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, होता है कि नहीं होता है? तो वन माइनस कॉस की जगह पे अपन लिख सकते हैं कि नहीं, लिमिट जीरो टू पाई लॉग वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो वन माइनस कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू
dx, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, देखो इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में होता है ना log m प्लस log n, अगर log mn होता है तो log m प्लस log n बन जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई log 2 प्लस, है ना, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, लिमिट 0 टू पाई, यहां कितना जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है, और यहां भी log रहेगा, सॉरी log तो लिखा ही नहीं मैंने, log साइन स्क्वायर x बाई 2 dx, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 2 जो होगा आ गया है ना, पढ़ा कि नहीं, log m की पावर n समथिंग दिया हो तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है, तो इसको आगे करके लिख दूं ये, चलो अच्छा नेक्स्ट स्टेप से लिख देता हूं, इतना तो समझ में आया होगा, है ना, चलो तो इसको लिख लो, हटा देता हूं यहां से, आगे देखो ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ये तो बच्चों एज इट इज रहा, i इज इक्वल टू लिमिट, अच्छा देखो यहां पे log 2 है ना, तो इसका क्या होगा ये तो मालूम है ना यार, देखो इसमें log 2 को आप बाहर कर लो तो ऐसे हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई, यहां कुछ नहीं है तो 1 है ना, ये हमें उसको मालूम है, प्लस अब इसमें क्या होगा ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 को मैं बाहर कर देता हूं, लिमिट 0 टू पाई log log sin x by 2, खाली इतना बचा x by 2 dx, ठीक। अच्छा अब एक चीज देखो, i इज इक्वल टू log 2, यहां पे 1 है तो 1 का क्या हो गया x, लिमिट log 2, लिमिट कितनी हो गई, यहां पे पहले लिख लो x, लिमिट हो गई 0 से पाई प्लस 2। अच्छा आप देखो यहां पे क्या करेंगे, है ना, यहां पे थोड़ी सी कहानी समझ लो, क्या करेंगे देखो, ये दिया ना x by 2, अपने ने क्या किया x by 2 को मान लिया t, ठीक, अब इसका क्या करो d by dx करो, तो x का क्या आएगा 1 आएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1 by 2, और यहां हो जाएगा dt बटे dx, अब dx उधर भेज दो तो dx बराबर 2dt, ऐसे होगा कि नहीं हो गया, तो ध्यान से देखो, और लिमिट भी बदलेगी, मैंने क्या बताया था जब जब t मानते हैं तो लिमिट भी t के हिसाब से बदल जाती है, तो पहले यहां पे देखो ये पाई है, x की जगह लिखो पाई बाई 2, और x की जगह लिखा मैंने पाई बाई 2, और ये 2 पहले से है तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 4, समझ में आया, x की जगह, अच्छा x खाली पाई है तो x की जगह पे केवल पाई लिखा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, इतना समझ में आया ना, x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया पाई लिख दिया तो ये पाई बाई 2 हो गया, तो t की वैल्यू ये हो गई। अच्छा दोबारा यहां पे 0 लिखो, x की जगह पे 0, तो 0 बटे 2 करोगे तो t कितना आएगा 0 ही आएगा, कहानी समझ में आएगी ना, x की जगह पर एक बार पाई लिखा फिर एक बार 0 लिखा, तो अब लिमिट कितनी हो गई, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2 log sin, और x बाई 2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, dx की जगह क्या लिख सकते हैं 2dt, क्या लिख सकते हैं 2dt। अच्छा देखो ये 2 जो होगा ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा यहां पे लिख दे 4, ये हो गया 4, तो sin t dt। अब देखो यहां पर ये हटा देता हूं, है ना, समझ गए, अब ध्यान से देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि 0 से पाई बाई 2 log sin x dx क्या आता है माइनस पाई बाई 2 log 2 आता है, ठीक है, तो ये बात याद रखना, मैंने ऑलरेडी आपको प्रूफ करके बताया ये क्वेश्चन, ठीक, तो भैया इसकी जगह पर यहां पर भी देखो 0 से पाई बाई 2 log sin t dt, अरे जैसे वहां x dx है यहां पे t dt है, क्या दिक्कत है, तो ये कितना हो गया log 2, ये कितना आ जाएगा पाई माइनस 0, यानी कि पाई रहेगा तो एज इट इज रहा ये log 2 पाई प्लस 4, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है ना, ये तो समझ में आया ना, इतने की जगह पर ये क्या आ गया, ये मैंने आपको बताया ना ये चीज देगा। अच्छा यहां साइन की जगह अगर कॉस हो तो भी यही आएगा, तो ये बात याद रखना, दोनों क्वेश्चन समझाया मैंने, ठीक है, तो भैया अब एक चीज देखो, ये 2 से ये कट गया तो कितना आया i इज इक्वल टू log 2 पाई प्लस माइनस 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 2 माइनस 2, और देखो यहां पे पाई भी दिया ना 2 पाई, तो एक काम करो, देखो ये पाई आया था ना तो पाई log 2, इसको ऐसे लिख लो 2 पाई नहीं ये पाई आ गया जाएगा, ऐसे लिख लो
यहाँ पर पाई लॉग टू, ये पाई था ना पाई, तो पाई को आगे लिख लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे लिखा था 2 into π, सही नहीं लग रहा था, यहाँ पर लिख लो पाई लॉग 2, और ये हो गया -2π log 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो भाई पाई लॉग 2 है और यहाँ पे -2π log 2 है कि नहीं। इसमें से इसको घटा दो तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा, तो कितना आएगा -π log 2। बोलो इसमें क्या दिक्कत हुई यार, ये पाई लॉग 2 है, ये 2π log 2 है, तो 2π में से 1π चला गया, -π बचा यहाँ पर, ठीक। तो अब ये कहानी समझ में आई, ठीक है ना, चलो नोट करो उसको। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो यार ये सब बिल्कुल ठुल्लू सवाल है ना, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं, आई इज इक्वल टू लिमिट कितनी है 0 से a, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे a माइनस x, ऐसे हो गया ना √a - x। उसी तरह यहाँ पर भी √a - x+। अच्छा यहाँ पर लिखोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, a x की जगह पे क्या लिखा मैंने a - x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -a + x क्या आएगा, ये -a + x dx। अब देखो बच्चों ये a से a कैंसिल हो गया, तो कितना आया ये i = (limit 0 to a), यहाँ पे हो गया a √a - x, नीचे भी वही सेम टू सेम कहानी, प्लस ये कैंसिल हो गया, तो कितना है √x dx। इतना हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब इसको और इसको, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो नीचे तो सेम टू सेम कहानी आई है, आई कि नहीं आई है, तो ये कितना हो जाएगा i और i, यहाँ पे पहले लिख लो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों को ऐड कर लो, तो कितना आएगा i और i 2i हो जाएगा, 2i, लिमिट कितनी है 0 to a, तो दोनों नीचे तो सेम टू सेम है, खाली ऊपर वाला ऐड होगा, तो ऊपर वाला कितना है √x + √a - x/√x + √a - x dx, ये पूरा कट गया, तो कितना है 2i = (limit 0 to a), तो ये पूरा कट गया, तो खाली यहां पे बचा होगा 1, ठीक है। तो ये कितना आया 2i = अब देखो x यहां पे 1 का इंटीग्रेशन x हुआ कि नहीं हुआ, x लिमिट हो गई 0 to a, तो बस इसको सॉल्व करो, आंसर हो गया। यहां पे क्या लिखोगे a - 0, तो 2i = a, तो i = a/2, तो ये हमारा नन्ना सा छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर, ठीक है। अब देखो बच्चों 18 नंबर कैसा है, मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन कैसे करते हैं सिखाया था ना मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, ठीक। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 आया ना, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ करे उसको आराम से लिख लिया करो, ऐसे x - 1 = 0, मॉड हटा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आप ऐसे समझो एक नंबर लाइन बनाओ। अब मेरे पास 0 है, 4 है और 1 है, देखो लिमिट क्या है 0 है 4 है और ये 1 है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लिखूं तो ऐसे तो लिखोगे 0, 1 और 4, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 4 आएगा, तो देखो ये 0 से 1 जाएगा फिर 1 से 4 जाएगा, ठीक। तो अब देखो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, पहले तो लिमिट ही ऐसे हो गई लिमिट 0 से 1, अब यहां पे क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर, जैसे 0 से 1 के बीच में आएगा 1/2, ले लिया, इसको यहां x की जगह रखो और चेक करो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो जैसे मैंने x की जगह लिखा 1/2 और ये 1, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1/2, नेगेटिव में आया ना, नेगेटिव देखना है क्या आया उससे मतलब नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव आया यानी 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो इसके आगे आप ऐसे नेगेटिव का निशान लगा दो x - 1 dx, इतना क्लियर है। फिर 0 से 1 के बाद 1 से 4 पे आ जाओ, 1 से 4 पे आ जाओ, आ गए कि नहीं आ गए। अब 1 से 4 के बीच का कोई एक नंबर लो, यहां पे पुट करो, जैसे 1 से 4 के बीच में क्या आएगा 2 आएगा, चलो 2, x की जगह पे लिखा 2, तो 2 - 1 आंसर आया 1, तो ये कैसा है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव यानी x - 1, इसके आगे कुछ नहीं प्लस,
कुछ नहीं है तो प्लस है ना डी एक्स। तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बस अब इसको सॉल्व कर लो यार भैया, आंसर हो जाएगा। तो देखो एक काम करें, इसको अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। माइनस एक्स प्लस वन लिख देता हूं यहां पर, माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन। इतनी कहानी समझ गए? चलो अब इसको सॉल्व करो। तो एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और वन का हो गया एक्स, लिमिट हो गई जीरो टू। यहां पे आते हैं, इसमें भी वही चीज, एक्स स्क्वायर अपॉन टू और वन का कितना हो गया एक्स, लिमिट हो गई वन टू फोर। अब सॉल्व कर दो यार, क्या दिक्कत है? यहाँ वन पुट करो, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो यह आया वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। फिर जीरो पुट करो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना, जीरो बाई टू जीरो, सब जीरो हो गया। प्लस यहाँ पे आते हैं, x की जगह लिखा फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो सोलह बटे दो करेंगे आठ आएगा। फिर यहाँ पे चार, माइनस वन पुट करो तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ये हो गया एक बटा दो माइनस एक, ठीक। तो वन में से वन बाई टू जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, वन बाई टू ही बचेगा। प्लस आठ में से चार गया तो बचा चार, वन बाई टू में वन गया माइनस वन बाई टू, और ये माइनस, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। तो ये कितना आया, ध्यान से देखो इधर, वन बाई टू, वन बाई टू कितना हुआ वन, वन प्लस फोर, तो ये आ गया फाइव, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, सॉल्व कर लेना, ठीक। अब देखो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या करना है बच्चों, हमें शो करना है, मतलब प्रूफ करना है क्या। देखो यहां पे लिमिट कितनी है, जीरो से एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, ये पूरा इसके इक्वल आ जाए, ये पूरा सॉल्व होके ये आ जाए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, गिवन है डिफाइन, देखो यहां पे एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, ठीक है। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक। तो इसको सॉल्व करके अपन को ये प्रूफ करना है, ठीक है भाई, कर देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये उठाते हैं जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, इसको आई बराबर मान लेते हैं, लेट आई बराबर, लिमिट कितनी हो गई जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। अच्छा बच्चों अब इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं भाई, है ना, एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी तो मालूम है, जीरो टू ए एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स डॉट, यहां पे भी जी एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये तो ऐसे रहा लिमिट जीरो टू ए, देखो एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा एफ जी ऑफ ए माइनस एक्स इसकी जगह क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो इतना हिस्सा देखो ये इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस जी ऑफ एक्स, है ना, इसको यहां रोक लो इधर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फोर माइनस जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया डी एक्स। अब एक चीज देखो यहां पर ध्यान से, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा 4f of x, तो 4 को बाहर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा i is equal to 4 को बाहर कर लिया, लिमिट कितनी है 0 to a, तो ये हो गया f of x माइनस, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा लिमिट 0 to a, ये आएगा f of x into g of x dx, बोलो। और यहां पर भी f of x dx, f of x dx, है ना, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, i is equal to 4 लिमिट 0 to a f of x dx माइनस, ध्यान से देखो स्टार्टिंग में देखो i, ये दिख रहा है इक्वेशन वन, ऐसे मान लो यार, ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मैंने i माना था, तो यहां पे भी देखो यही चीज आई, ठीक। तो इसकी जगह पे मैं आई लिख सकता हूँ आई, तो ये माइनस का आई इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो आई और आई टू आई हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो इस टू से इसको काट दो तो यहां कितना आएगा
I is equal to 2, लिमिट कितनी है 0 टू a f ऑफ x dx। तो अगर आप ध्यान से देखिए हमें यही प्रूफ करना था, यही चीज आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में, अच्छा देखो फिर से इसमें वही कहानी आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, ठीक। देखो यहाँ पे माइनस ए है और ये ए है, ठीक, माइनस ए और ए। तो पहले एक काम करो, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबको पहले अलग अलग कर लो, ठीक है। इसको लिख लो लेट आई इज इक्वल टू, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मैंने कैसे पहचान लिया वो, क्योंकि देखो यहाँ माइनस ए से ये लिमिट, लिमिट के हिसाब से पता कर लिया करो। तो ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स प्लस यहां पर भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यहां कितना है एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसी तरह से यहां पे भी आ जाओ, लिमिट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये कितना हो गया टेन की पावर 5x dx और फिर 1, तो यार 1 का तो यही रहा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 1 dx। बोलो इसको समझने में कोई दिक्कत हुई आप लोगों को, ठीक। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बताया इसमें चेक करते हैं इवन ऑड वाला। तो ध्यान से देखो ये fx दिया हुआ है ना, fx f ऑफ x, ये हो गया x क्यूब। तो मैंने क्या बताया यहां पर आप x की जगह पे माइनस पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो भैया अब एक चीज देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो इस तरह की कहानी होती थी, तो ये क्या होता था ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन होता था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता था जीरो। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, इतनी आई। प्लस यहां पे आते हैं फिर से, यहां पे भी चेक करो, है ना, देखो मैं सब अलग अलग कर देता हूं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स है एक्स कॉस एक्स, ठीक, एक्स कॉस एक्स। तो माइनस यहाँ पे पुट कर दो एक्स की जगह पे, तो ऐसे हो जाएगा माइनस एक्स और कॉस। अच्छा यहाँ पे भी मैं ऐसा लिखूंगा माइनस एक्स, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा ही, कॉस माइनस थीटा ऑलवेज कॉस थीटा होता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये ऐसे हो जाएगा f of a minus x is equal to minus x, तो ये कितना हो जाएगा x cos x। तो ध्यान से देखो ये पूरी चीज क्या है f of x है, तो वापस हमें कितना मिल गया, ये हमें कितना मिल गया is equal to minus f of x, माइनस आया कि नहीं आया। तो फिर से अगेन ये ऑड फंक्शन हो गया, क्या हो गया ऑड फंक्शन, ठीक। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अच्छा यहां पे आते हैं, यहां पे भी चेक करो f of x कितना दिया है 10 की पावर 5x, ठीक। चलो भैया माइनस डालते हैं यहां पर, तो माइनस फिट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो इसको ऐसे लिख लो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक ही मतलब है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई 5 हो गई। तो जब इसको भी सॉल्व करोगे दोस्त, तो देखो यहां पर कितना आएगा, ये वापस हमें माइनस 10 की पावर 5x, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखो वही चीज है कि नहीं, तो ये कितना हो गया f of minus x is what minus f of x, ठीक। तो अगेन ऑड फंक्शन, तो इसकी भी वैल्यू, इधर वाले की भी वैल्यू क्या आई प्लस जीरो। तो ये तीनों तो जीरो हो गए, खाली अब ये बचा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना, इसको हटा देता हूं। अब देखो ध्यान से देखो अपने पास क्या बचा, जो बचा उसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। I इज इक्वल टू ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खाली ये बचा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो आएगा x, तो लिमिट कहां से कहां तक हो गई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये कितना आएगा I इज इक्वल टू, पुट करो लिमिट, पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बना देगा। तो पाई बाई टू यानी 90 90, 180, तो यानी खाली पाई आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, पाई आया, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, ओके। देखो बच्चों 21 नंबर है ना, इसमें क्या करना है, ये भी बहुत आसान है, ठीक। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है ना, आई इज इक्वल टू, इसको मान लिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। चलो तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़े थे वही लगा देते हैं। I इज इक्वल टू लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई टू,
log कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 3 साइन x, x की जगह पे pi by 2 माइनस x है ना, ऐसा हो जाएगा साइन pi by 2 माइनस x, ऐसे लिखा। अच्छा सेम टू सेम कहानी नीचे भी 4 प्लस 3 cos pi by 2 माइनस x, ठीक है इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। ओके अब देखो बच्चों I इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 log, देखो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन यहां पे आओ 4 प्लस 3 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन x, ओके dx। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देते हैं ना, इसको ऐड कर देते हैं ये आई और ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, तो देखो ध्यान से देखो क्या आएगा, पहले समझो ध्यान से आई और आई तो हो गया 2i, ठीक है लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 2, तो इसको ऐड करोगे तो देखो ऐसे ही तो रहेगा ये लॉग, ये पूरा का पूरा ऐसे 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस ये इधर लॉग लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है ये डी एक्स, ठीक इतनी कहानी समझ में आई। बोलो अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्या log m प्लस log n, log m प्लस log n तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है ना log m into n, तो वही यहां पे करेंगे, ठीक है तो इसको नोट कर लो, ये हटा दो ये हटा देता हूं, तो बस वही नोट करो देखो हटाक से आंसर आएगा आपका, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा log m into n, तो ये हो गया 2i is equal to लिमिट 0 से पाई बाई 2 कितना हो गया ये log m into n, तो ये पूरा m समझ लो 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 sin x, ठीक है ना dx। अब देखो ये कैंसिल ये कैंसिल कितना बचा, तब तो यार ये पूरा कट गया आंसर जीरो आ गया, फिर तो log 1 dx और log 1 का मतलब होता है जीरो, तो 2i is equal to, तो बच्चों ये जीरो आ जाएगा i की वैल्यू जीरो, ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा क्लियर, ठीक अब बताओ बच्चों ये पूरा चैप्टर समझ में आया अच्छे से, ठीक। अच्छा देखो मैंने क्या बताया, पहले तो आप अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ लो फार्मूले लर्न कर लो क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन फार्मूले पे ही बेस्ड है ना, अगर एक बार फार्मूले प्रॉपर्टी पता चल गई तो क्वेश्चन साला यूं सॉल्व होता है, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को खूब दिल लगा के, थैंक यू।